नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, एक कमेंट बार बार आ रहा था कि कमर्शियल अप्रेंटिस को ऊपर रखें या फिर जूनियर अकाउंटेंट को, तो इस बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होंगी। तो बात करते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस की। सबसे पहले दोस्तों, ये 42 ग्रेड पे की जॉब है और आपको पता होगा जो RRB NTPC की जो वैकेंसी चल रही है इसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है वो 42 ही है, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो 2800 ग्रेड पे है। कई लोग ग्रेड पे के चक्कर में जो है लालच में आ गए हैं और कह रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है, हो सकता है कि आपको इस पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो इसलिए आपने कमर्शियल अप्रेंटिस ऊपर रखा हो। मगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूनियर अकाउंटेंट के बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ मगर अभी दोबारा से बताने का मतलब इसलिए है क्योंकि अभी एक नई जानकारी हाथ में मिली है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप चाहें तो प्रीफ्रेंस चेंज कर सकते हैं, टाइम अभी भी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर कौन सी वैकेंसी किस पर्सन के लिए ठीक है। देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी जो पोस्ट है वो ऐसी नहीं है कि आपकी मतलब टाइम फिक्स हो जिसके अंदर, इसमें रोटेशन लगता है। कमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर आपकी नाइट में भी लग सकती है, दिन में भी लग सकती है, मतलब 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लग सकती हैं, ठीक है, 24 घंटे हो गए। उसके अलावा अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में एक तो 5 डे वीक मिलेगा, ठीक है, यानी कि सैटरडे संडे का ऑफ मिलने वाला है इसमें आपको। उसके अलावा इसका जो प्रमोशन है दोस्तों, वो शायद ही कोई ऐसी पोस्ट है जितना गजब प्रमोशन इसका है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कोई ऐसा पर्सन जो कि DRM ऑफिस वगैरह में काम करता हो आप उससे जाकर पता कर सकते हैं, या फिर कोई जूनियर अकाउंटेंट हो आप उससे भी पता कर सकते हैं। मगर हाँ, एक चीज़ है, आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं निकाला तो हो सकता है कि आपके प्रमोशन ज़्यादा ना हो पाएँ, मगर अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लिया तो दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर मैं इक्विवेलेंट रैंक बताऊँ, आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक जॉइंट सेक्रेटरी की एक पोस्ट होती है, तो उसके इक्विवेलेंट तक पहुँच जाते हैं ये। अगर मान लीजिए 27 से 28 साल की उम्र में भर्ती हो जाते हैं आप जूनियर अकाउंटेंट पे और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम टाइमली निकाल लेते हैं, तो ये बात तय है कि आप 60 साल की उम्र तक जब आप रिटायर होंगे तो काफ़ी हायर स्किल से आप रिटायर होने वाले हैं इसमें। क्योंकि ये जो मुझे सूचना मिली है वो एक ऐसे अधिकारी से मिली है जो कि रेलवे के अंदर ही UPSC से जो अकाउंट सर्विस होती है दोस्तों, ग्रुप ए की, उन्हीं ने मुझे ये जानकारी दी कि उनके साथ में एक पर्सन है जो कि जूनियर अकाउंटेंट पे ही उनकी रिक्रूटमेंट हुई थी और बाद में जो है उनका प्रमोशन पाकर इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। तो एक चीज़, चलिए मान लीजिए आप नहीं भी पहुंच पाए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर किए, मगर ऐसा तो नहीं है कि आपका ये अंत हो, इसके आगे भी तो तैयारी करनी होगी। हो सकता है कि आपको PCS की तैयारी करनी हो, RO AR O की जो निकलती है UPSC से उसकी तैयारी करनी हो। तो तैयारी करने के हिसाब से भी देखा जाए तो जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। कमर्शियल अप्रेंटिस में जो छुट्टियां हैं दोस्तों वो आपको उतनी नहीं मिल पाएंगी जितनी कि जूनियर अकाउंटेंट में मिलती हैं, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में आप होली दिवाली भी मना पाएंगे, कमर्शियल अप्रेंटिस में हो सकता है। मगर हाँ, कई लोग होते हैं जो वर्कहोलिक होते हैं, यानी कि जिन्हें काम पसंद होता है बहुत ज़बरदस्त, चाहे दिन हो या रात में हो, तो ऐसे लोगों के लिए कमर्शियल अप्रेंटिस बहुत अच्छी है, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी पोस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, डिसीजन पूरी तरीके से आपका ही होगा, ठीक है। मेरे बातों से आप इन्फ्लुएंस मत हो जाना, बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो कमर्शियल अप्रेंटिस में जो प्रमोशन पाकर कमर्शियल इंस्पेक्टर बन जाते हैं, ठीक है, आप स्टेशन पे देखेंगे आपको एक अलग चैम्बर मिल जाएगा कमर्शियल इंस्पेक्टर का, और ये पोस्ट ऐसी होती है इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है आपकी हो सकता है DRM ऑफिस में ही हो, और काफ़ी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस, और इसमें ट्रेनिंग भी होगी दोस्तों आपकी। जूनियर अकाउंटेंट में जो है आपको नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड ही डील करना है। तो ये सब मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ जो फॉर्म पड़ गया है वो ठीक ही है, अब आप तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं GS के लिए काफ़ी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम पर मैं उसका लिंक शेयर किया करूँगा। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि YouTube की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं मिल पाता है, उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्टडी मटेरियल वगैरह मान लीजिए कोई PDF वगैरह शेयर करना है तो टेलीग्राम सबसे बढ़िया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। और इस एग्ज़ाम के अंदर शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैं आप लोगों की काफ़ी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। कई लोग हैं जो रेलवे में ELP हैं या फिर स्टेशन मास्टर हैं, तो इनके जो साइको टेस्ट थे उनका भी इंटरव्यू आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे
कि इंटरव्यू मैं काफ़ी पोस्टों के लेने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे अभी आपने आज लेखपाल जी का देखा होगा, वीडियोस आपका दिखाया जा चुका है, स्टेशन मास्टर साहब का आपको दिखाया जा चुका है, ऑडियो इंटरव्यू है क्योंकि वो आसानी से हो जाता है, वीडियो के लिए इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता। तो आने वाले समय में आपको और भी जॉब के प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और जॉब का प्रोफाइल तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।